हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथ सेकंड पेपर यूनिट 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग 20 में भी देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 12 में आप लोग देख सकते हो, एक विश्लेषिक फलन के वास्तविक एवं अधिकल्पित भाग लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग बीएससी थर्ड ईयर की और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट, और इसके पहले हमने और भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो वैश्लेषिक फलन के आधार पर कि उसकी क्या कंडीशन होती है, उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। विश्लेषिक फलन में ये तो पता है कि इसका जो वास्तविक भाग होता है वो लाप्लास समीकरण होता है, तो इसको अपन को इसको मतलब यही सिद्ध करना है कि लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। यानी इसमें अपन को कौन सी कंडीशन चाहिए होगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अपन को यही सिद्ध करना है, तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए इसमें कि विश्लेषिक फलन को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं और विश्लेषिक फलन क्या कहलाता है, मतलब इसके बारे में अपन को संपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। हमने आप लोग के लिए प्लेलिस्ट में आप लोग के लिए बता दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में बना देख लीजिएगा। और हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं और मैथ्स के भी। अगली वीडियो में हम आप लोग के लिए मैथ्स के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, और फिजिक्स अभी रह गई है सेकंड पेपर तो उसके भी बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि माना कि विश्लेषिक फलन क्या है, ठीक है। माना विश्लेषिक फलन, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग से अच्छे से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप पेपर आने वाले हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो सॉल्व पर चलते हैं। माना एफ ऑफ जेड, यानी कि अपन ने एक विश्लेषिक फलन मानेंगे जिसमें माना एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। माना f ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आई भी क्या है, किसी प्रांत में विश्लेषिक फलन है, किसी प्रांत में विश्लेषिक फलन है, ठीक है। इतना अपन ने माना क्योंकि अपन को बोला ही गया कि एक विश्लेषिक फलन का अधिकल्पित एवं वास्तविक भाग क्या कहलाता है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो अपन ने माना कि f ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आई भी किसी प्रांत d में विश्लेषिक फलन है। तब अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉची रीमान समीकरण, कॉची रीमान समीकरण। ये क्या होता है, ये देखो, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू होता है डेल v अपॉन डेल y। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। इसका एक और होता है कॉची रीमान समीकरण, यानी ये कॉची रीमान समीकरण दो होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स। अपन ने ये दो अपन के क्या हो गए, कॉची रीमान समीकरण हो गए। अब अपन को क्या करना है, अपन को सिद्ध क्या करना है, अपन को ये पता होना चाहिए लाप्लास समीकरण क्या कहलाता है, इसकी क्या कंडीशन होती है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। इनका प्लस जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने यू और भी लिए हैं, एक अधिकल्पित और एक वास्तविक भाग लिया है, ठीक है। आप देखो अपन को क्या करना है, समीकरण एक से लेते हैं, समीकरण एक से अपन को बनाना क्या है ये देख लो। सबसे पहले अपन को सिद्ध में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनाना है, यानी कि अपन का ये समीकरण एक क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल वाई, ये दिया हुआ है। अपन को बनाना क्या है, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, यानी इसका एक बार फिर से अवकलन एक्स से सापेक्ष कर देंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इस साइड में यानी दोनों पक्षों में होगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू नहीं डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। इतना है समझ में, आप देखो अब क्या करना है, अब इसका क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा अपना डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। इतना है समझ में, इसका मल्टीप्लाई कर, इसका दो बार अवकलन क्यों किया, क्योंकि अपन को चाहिए क्या था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये अपन को चाहिए, तो अपन ने ये निकाल लिया, ये अपन को अब ये निकालना है, यानी कि अब जी दूसरा समीकरण लेंगे। अब इसके लिए अपन को समीकरण दो लेना पड़ेगा, समीकरण दो क्या था, समीकरण दो से डेल यू अपॉन डेल बाय इज इक्वल टू डेल भी अपॉन
डेल एक्स, ठीक है ये ले लिया। अपन को चाहिए क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बाय चाहिए, बाय स्क्वायर। तो इसका अपन ने डेल डेल अपॉन डेल वाई से गुणा कर दिया, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल वाई से यहाँ भी होगा गुणा, और इस साइड होगा तो अपन ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई का, ठीक है। डेल अपॉन डेल वाई यानी दो बार ले लिया, क्योंकि अपन को कंडीशन में अपन को इसका योग क्या चाहिए, जीरो चाहिए है। डेल भी अपॉन डेल एक्स क्या ले सकते हैं यहाँ पे, डेल स्क्वायर भी डेल एक्स इंटू डेल वाई। जब इसको आगे पीछे कर देंगे तो डेल एक्स आगे आ जाएगा और डेल वाई पीछे, तो ये क्या का हो जाएगा, माइनस का। अब देखो अपन का ये आ गया, देखो इसको दे दिया अपन जैसे इक्वेशन, समीकरण एक से जो अपनी इक्वेशन आई थी इसको दे दिया समीकरण तीन। अब जो समीकरण दो से जो इक्वेशन आई उसको समीकरण चार दे, समीकरण चार, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण तीन धन चार से। अब जो समीकरण तीन और चार आए हैं उनको जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल बाय स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपना यू था, यू लिख लेते हैं, इसी प्रकार अपन भी के लिए कर देंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। ये कैसे कर दिया, देखो अपन ने जोड़ा था लेकिन प्लस माइनस के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक बार फिर से ऐसा कर लेते, ये आया था इसकी वैल्यू, तो प्लस माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर वी डेल एक्स इंटू डेल बाय माइनस डेल स्क्वायर वी डेल एक्स इंटू डेल बाय, तो ये कट जाएंगे ये और ये, तो क्या आ गया, जीरो। अतः अपना क्या है समीकरण लाप्लास, जो ये फलन है मतलब विश्लेषिक फलन है वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बाय स्क्वायर। इसी प्रकार अपन देखो, इसी प्रकार अपन अब बी के लिए भी लिख सकते हैं, ये अपना यू के लिए मतलब एक अधिकल्पित हो गया और एक वास्तविक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये अपन का यू के लिए है, अब भी के लिए भी अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल बाय स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, प्रूव्ड दैट। अतः अपन लिख सकते हैं, तब विश्लेषक फलन का अधिकल्पित एवं वास्तविक भाग लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, ये आप लोग लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थैंक यू। और हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जाएंगे, थैंक यू।